Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष प्रेजेंट हो गया. और फ्रेंड्स, मैं आज प्लास्टिक बैग से जो है पतंग बनाने वाला हूँ. ये देखिए, मेरे को ये दो तीन प्लास्टिक बैग्स, बड़े बड़े बैग्स मिल गए और मैं इससे पतंग बनाने वाला हूँ. हालांकि मेरे को ये पतंगी कागज़ से पतंग बनाना था, लेकिन ये कागज़ बहुत ही बेकार है फ्रेंड्स. इसमें तो रंग भी छूट रहा है, आप देख सकते हैं. ये नीले वाले का रंग निकल करके इसमें लग गया और लाल वाला कागज़ भी बहुत कच्चा है. जब भी हम उसमें फेविकॉल लगाते हैं फ्रेंड्स, तो फेविकॉल क्या होता है, कागज़ को जैसे ही मोड़ते चिपकाने के लिए उंगली में चिपक जाता है और कागज़ जाता है. बहुत ही बेकार पेपर, इसलिए इससे बनाने का दिल नहीं कर रहा है. तो मैंने सोचा क्यों ना, ये सब तो बहुत वेस्टेज रहता ही है और बिल्कुल एकदम बेकार है ये सब बैग. तो मैं इन्हीं बैग से पतंग बना लेता हूँ. देखिए, इससे एक पौने की पतंग बन जाएगी और इस वाले से भी पौने की पतंग बन जाएगी. काफ़ी बड़ा बैग है फ्रेंड्स, इसको टोपी भी बना सकता हूँ मैं. और ये देखिए, इससे एक अधे की पतंग शायद बन जाए, शायद नहीं भी बने. ढाई मजोली की तो बनी जाएगी, खैर कोई बात नहीं. तो इससे हम पतंग बनाएंगे अभी और आपको पतंग बना करके दिखाएंगे. ये देखिए, सारा फर्मा वगैरह मैंने ले करके आया हूँ पतंग बनाने के लिए. फेविकॉल वगैरह सब कुछ, जोड़ने ओढ़ने का सारा सामान. ये मैंने ठड्डे भी छील लिए हैं, आप देख सकते हैं. ये मैंने दो पतंग के कमान ठड्डे सब तैयार कर लिए. ये देखिए, इसका वेस्टेज निकला है कितना सारा. सारा छत गंदा हो जाता है, इन बाँसों को छील करके बनाना पड़ता है. एनीवे फ्रेंड्स, इससे पहले जो है कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, और मैं कुछ पिछले वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा. हमारा पिछला वीडियो जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो था, और वीडियो का नाम था फ्लाइंग मिस्ट्री बैग विथ किंग कोबरा काइट. जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो का यही नाम था, फ्लाइंग अ मिस्ट्री बैग विथ किंग कोबरा काइट. इस वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने एक किंग कोबरा काइट में एक बैग, इस तरह का ब्लू कलर का बैग लटका दिया था और उसको हमने हवा आसमान में ले जा करके खोला था. तो हमने पूछा था कि उस बैग में से कितने गुब्बारे और कितने पतंग निकले. तो फ्रेंड्स, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ. सही आंसर है 7 बलून्स निकले थे और 17 काइट्स निकले थे. जिन जिन लोगों ने 7 बलून्स एंड 17 काइट्स बलून, सबके आंसर सही हैं. और हम लोगों ने 10 नाम सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह, जैसा हम हमेशा ही अपने वीडियो के अंदर 10 नाम सिलेक्ट करते हैं. आज भी हमने 10 नाम सिलेक्ट किया है. और ये 10 नाम कौन कौन से हैं और इसमें फर्स्ट कौन आया है, ये भी अभी आपको बता देता हूं. सबसे पहला जो ऊपर नाम आ रहा है, प्रो वाईटी गेमिंग. जी हां फ्रेंड्स, प्रो वाईटी गेमिंग को मैं थम्स अप करता हूं और उनको एक सैल्यूट भी मारता हूं फर्स्ट आने के लिए. बहुत ही स्पीड के साथ इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है. 17 काइट्स एंड 7 बलून्स इन्होंने बोला है. बाकी लोगों ने भी, जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया है, उनका भी मैं नाम पढ़ देता हूं. अच्छा, सबसे पहले तो प्रो वाईटी गेमिंग का नाम है, ये फर्स्ट आए हैं. फिर उसके बाद दूसरा नाम है जी विजय गेमर्स, और तीसरा नाम है शुभ गुप्ता, चौथा नाम है अमजद हुसैन, पांचवा नाम है राजेश कुमार, और छठा नाम है राहुल काइट फाइटर, सातवां नाम है ऑल इन वन फोर. अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ. और आठवां नाम है मंजू गुप्ता, नौवां नाम है सैंडे यादव, और दसवां नाम है रश्मि त्रिपाठी. ये 10 लोगों का नाम है. आप लोग इस वाले लिस्ट के अंदर अपना अपना नाम देखिए और बहुत जल्दी हम आपको इस तरह के और भी वीडियोस के अंदर मिलेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट जो है हम इस पतंग को बनाते हैं. तो इसकी कटिंग शुरू करते हैं, और पहले तो इस काले वाले बैग को काट देते हैं. और इसको कहाँ से काटे, इसको कोई भी एक तरफ से काट देते हैं. यहाँ से काट देता हूँ मैं, और यहाँ से काट करके उस बैग को खोलता हूँ. इसी तरह से सफ़ेद बैग को भी काटूँगा. पॉलीथीन के थैले से पतंग बनाना जो है बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए तो वेस्टेज होता ही है और इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है. तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इससे पतंग बना करके देखते हैं कि पतंग कैसा बनता है. पतंग बनने के बाद ठीक उड़ेगा भी कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स. और ये देखिए, मैंने इसका एक तरफ का काट दिया. ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी बड़ा, ये तो एक तावा बन जाएगा. इससे पौने की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक तावा भी बन जाएगा. अब इसको, इस वाले हिस्से को भी मैं काटता हूँ. इसके इस हिस्से को मैं यहीं से काट देता हूँ. ये देखिए, ये काट दिया मैंने, इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर फाड़ दिया. वाह, ये इतना बड़ा निकला है. बाय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा पौने की पतंग बनेगी, मज़ा आ जाएगा मेरे को. अरे एक नहीं, एक पौने की, एक अधी की भी बन जाएगी. नहीं 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 नहीं, दो दो पौने की बनेगी, ये तो बहुत सस्ता पड़ेगा मेरे को, ये तो फ्री का माल था. ओह माय गॉड, दो पौने की पतंग बन रही है, और क्या चाहिए मेरे को फ्री में. ओहो, चलिए इसको फटाफट बनाते हैं. तो सफ़ेद वाले को भी अभी हम काट के दिखाते हैं आपको. इसी तरह से सफ़ेद वाले को भी काटेंगे फ्रेंड्स.
ये देखिए, एक ब्लैक काट करके निकाला और एक ये वाइट भी निकाला है। वाइट वाला थोड़ा सा पतला है लेकिन चल जाएगा, इसमें एक जोड़ भी है, कोई बात नहीं, जोड़ रहने दीजिए, हमको क्या है, हमको कोई एग्जीबिशन में थोड़ी ना लगाना है पतंग, जो हमारा पतंग फर्स्ट आएगा, हमारा पतंग बस अच्छा उड़ना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको हम लोग जो है इस तरह से निशान लगा करके दोनों की कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। हमेशा की तरह इसमें मैं सेंटर से लगाता हूँ निशान, एक तरफ से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर एक तरफ से लगाऊंगा तो ये गंदा लगेगा, जोड़ बिल्कुल बीच आ रहा है, तो इसलिए जोड़ को हम बीच में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये सब जो है प्लास्टिक बैग जो है किसी काम का नहीं होता है, कचड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ता है, तो मैंने सोचा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं निशान लगाता हूँ, निशान लगा करके फटाफट दोनों को काट करके दिखाता हूँ, मैं बारी बारी से दोनों को काट लूँगा। और ये निशान लगा दिया मैंने इधर का, और इधर का भी निशान लग गया, इधर का भी निशान लग गया मेरा पतंग। अब जो यहाँ पे भी निशान, ओ ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये अपने घर की खेती है। चलिए ये देखिए, ये निशान लगाने से ये निशान मिल गया मेरे को, ये सारा निशान लग गया है। और अब इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने ये कटिंग कर ली है, और इसमें से वो दोनों बैग में से कितने पतंग के निकले, एक वाइट कलर का निकला है और वाइट कलर का एक निकला है, बाकी इतना सारा वेस्ट गया है, इससे ढाई की पतंग बन जाएगी। और दो ब्लैक कलर के निकले, ये देखिए एक और एक दो, ये दो ब्लैक कलर के और एक ये वाइट कलर का, यानी तीन पतंगों का कागज़ निकल आया, मज़ा आ गया फ्रेंड्स। और तो चलिए अब इसकी भी कटिंग करता हूँ, इसकी कटिंग कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कटिंग करके। तो क्या करना है, इसकी कटिंग ऐसे करना है, और एक एक ब्लैक हटा देते हैं क्योंकि हमको अभी फ़िलहाल दो ही चाहिए। और इसको देखिए, दोनों को बिल्कुल एकदम मिला देंगे, नीचे देखिए ब्लैक कलर वाला है, ऊपर वाइट कलर का। अब इसकी कटिंग करता हूँ मैं, इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी कटिंग करने के बाद ये कैसे दिखेगा। इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स, ये बैग मुड़े तुड़े थे, सिलवट पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको अब जो है इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये जो जोड़ आ रहा है बीच में वाइट वाले में, ये जोड़ जो है थोड़ा सा काम ख़राब कर रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कटिंग करनी है। इसकी कटिंग जो है, ये हम बड़ा सा रूलर लेंगे और ले करके जो है इसकी हम कटिंग करने लग रहे हैं, तो इसमें हम निशान लगा देते हैं, ऐसे ही अंदाजे से एक निशान लगा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से एक निशान लगा करके कटिंग करेंगे। और जो बड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है उसको जो है हम लोग बाद में काट देंगे। ये मैंने निशान लगा दिया, और निशान लगा करके जो है अब इसको हम काट देंगे। और काट करके आप लोगों को दिखाते हैं ये कटिंग के बाद जो है किस तरह से आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर दी हमने, कटिंग करके ये देखिए अभी ये ऐसा बन गया, बड़ा अजीब सा ही बना है। और अभी इसको देखिए हम लोग जो है इसको आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको जोड़ करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको एक डिज़ाइनर काइट बना रहा हूँ, तो अभी जो मैंने कटिंग करी वो कटिंग करने से डिज़ाइन कैसा बनेगा ये आप लोग देख लीजिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और ये देखिए मैंने वाइट के ऊपर इस तरह से ब्लैक रख दिया एक, और इधर एक और भी रखा हुआ है। और ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है इस तरह से, और दूसरा वाला जो है ये देखिए ये भी एक ब्लैक एंड वाइट है, यानी हमारे को दो पतंग मिल गया, और ये एक डिज़ाइनर काइट है। अब फ्रेंड्स इसको मैं टेप से चिपका करके पूरा आपको तैयार करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं ब्लैक टेप से जोड़ रहा हूँ, ब्लैक टेप से जोड़ने से ये होगा कि इसका पता नहीं चलेगा और बिल्कुल एकदम मैच कर जाएगा ये। और मैंने ब्लैक टेप से इसको चिपका दिया, ये देखिए। अब फ्रेंड्स इसकी जो है जो फरमा से आउट हो रहा है उसकी मैं कटिंग करके आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला इधर चिपक गया, अब दूसरे वाले को भी हम आपको चिपका करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो को बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक
बंदर आ गया और ये बंदर जो है काफ़ी शैतान है, ये अक्सर यहाँ पे पानी पीने के लिए आता है, फिर बाद में उधम मचाता है और मेरे पतंगों को कई बार पहले भी फाड़ चुका है। तो इसलिए जो अब हम वीडियो को कल बनाएंगे, आज इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम ही है कि कल हमने शाम को इस वीडियो को बंद कर दिया था और आज फिर इसको चालू किया है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदर आ गया था सामने और वो बंदर जो है बहुत उत्पात मचाता है। पहले भी मेरी दो चार बार बंदी हुई पतंगों को फाड़ दिया, तो इसलिए हम लोग जो है अपना सारा मोबाइल वोबाइल कैमरा वगैरह लेकर के भीतर चले गए थे और फिर आज इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हमने इसको देखिए ये सब टेप लगा करके आप लोगों को दिखाई दिया था, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पे जो है इसको हम लोग जो है इसका ठड्डा जो है इसमें चिपका देंगे, और ठड्डा चिपकाने के लिए क्या करूँगा, ठड्डा चिपकाने के लिए मैं टेप यूज़ करूँगा। टेप कौन सा यूज़ करूँगा, टेप एक इंची टेप यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो पतंग बन रही है ये फेविकॉल वगैरह किसी दूसरे गोंद वगैरह का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जो है हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो है आपका टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, टेप यूज़ हो रहा है और इस वाले हिस्से में एक जोड़ आ गया था, कल आप लोगों ने देखा था ये यहाँ पे बीच में वाइट वाले पेपर में, एक पेपर नहीं सॉरी प्लास्टिक है। हमारे को तो डर ये लग रहा है कि अभी उसका आने का टाइम हो गया बंदर का, और वो आते ही सीधा क्या करता है, पतंगों के ऊपर अटैक करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको चिपका दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे और चिपकाना है, क्योंकि टेप मैंने छोटा तोड़ा था, अब टेप पूरा सही हो गया है, अब पूरे साइज़ का टेप है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम एंड तक लगा दिया। पहले मैं इसको कमान और ठड्डे को जो है रंग करके दिखाने वाला था, जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने गुलाबी रंग किया था, तो इसको भी रंग करने की सोच रहा था मैं, लेकिन हुआ क्या कि हमको जल्दी जल्दी में काम बंद करना पड़ा और यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम ही है बंदर बहुत शैतान होता है और वो जब अपने आप पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसको फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे जो इसके कमान को लगाएंगे, और इसको भी हम लोग एक इंची टेप से लगा रहे हैं। और तो कमान कैसे लगाएंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो इसके नीचे टेप लगाएंगे और टेप लगा करके कमान को जो है यहाँ पे रखेंगे, और रख करके इसको जो है इस तरह से रैप कर देंगे ये टेप को। और ये टेप हमने इसके ऊपर रैप कर दिया और रैप कर दिया, और एक हिस्से यहाँ पे भी एक लगाना पड़ेगा आपको टेप। और अगर आप यहाँ पे टेप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका कमान जो है वहाँ से स्लिप करके इस तरफ से बाहर आ जाएगा। अगेन एक छोटा सा टेप और लेना है, और अगेन फिर इस वाले हिस्से को फिर से उठाना है और इसको जो है हम इस पर रैप कर देंगे। ये देखिए, ये रैप कर देंगे, ये इधर का हिस्सा लग गया। अब ठीक सेम इस तरह से इधर का भी हिस्सा लगाएंगे, और ये देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो पतंग बन रहा है ना, ये वाइट वाला प्लास्टिक जो है ना फ्रेंड्स, इसमें जॉइंट आने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये पतंग बहुत ही अच्छा बनता। और पतंग, इस पतंग को बनाने के लिए हमारे को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, वाइट प्लास्टिक की थैले की ज़रूरत पड़ी है, हमारे पास अभी एक थैला और बचा पड़ा हुआ है, एक नहीं बल्कि एक छोटा थैला भी बचा हुआ है, और इससे भी हम जो है किसी दिन पतंग बनाएंगे और पतंग बना करके आपको दिखाएंगे, उससे दूसरा डिज़ाइन का पतंग बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जब टेप चिपक जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से चिपकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस हिस्से पे लगाएंगे। इस हिस्से पे लगाने के लिए क्या करेंगे, अगर उसी तरह से जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लगाएंगे, और इस कमान को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ करके इसके ऊपर रखेंगे, और रख करके बिल्कुल एकदम मिला करके कॉर्नर टू कॉर्नर। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, और लगाने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, लगाने के बाद जो करना है ना उसको तो ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे इसको ज़रूर एक और टेप को इस तरफ से भी लगाएंगे आप, अगर इस तरफ से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो आपका सारा मेहनत जो है पानी पानी हो जाएगा, इसलिए इसको रोकने के लिए टेप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कोई गोंद वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक प्लास्टिक वेस्टेज प्लास्टिक से पतंग बन रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक तो तैयार हो गया, बाकी इसको अभी हम लोग खोल करके दिखाते हैं, और यहाँ पे भी एक दो टेप और लगना है, वो हम आपको लगा करके दिखाएंगे। ये देखिए, अभी हम आपको बता दें कि इस तरह से बन रहा है, और देखिए मेरे बिल्कुल एकदम पैंट और शर्ट से मैच कर रहा है।
आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम मेरे पैंट शर्ट से मैच कर रहा है। अब इसके साइड में जहाँ जहाँ पे भी इसके टेप लगाने वो मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब मैं ये निकालता हूँ, ये निकाल करके 6 इंच दूर यानी 6 इंच दूरी पे जो है दूसरा यहाँ पे हम टेप लगाएंगे। ये भी लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से 6 इंच हमने नाप लिया और 6 इंच नाप करके हमारे को 6 इंच यहाँ पे मिला है। तो ये 6 इंच दूरी पे हम लोग इस टेप को लगाएंगे। इस टेप को थोड़ा सा ऐसे करके खींच लेंगे और हल्का सा खींच करके जो है इसके ऊपर ये वाइट वाला, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वाइट वाला जो ये था प्लास्टिक का थैला, ये अच्छा नहीं था और इस करके जो है पतंग में सिलवट आ गया। ब्लैक वाले में भी सिलवट था, ब्लैक वाले में थोड़ा सा कम था, वाइट वाले में ज़्यादा था। ये देखिए मैंने इधर का भी टेप लगा दिया और टेप लगा करके इसको ऐसे ये कर दिया। पतंग तैयार है बिल्कुल एकदम। और थोड़ा सा इसमें अब पूंछ वगैरह लगाना है, वो अभी लगा करके दिखाता हूँ। और ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हो जाता है जब जल्दी जल्दी में हम लोग काम करते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत बड़ा। ये काट दिया मैंने और काट करके जो है अब यहाँ पे पूंछ लगा देंगे हम। और पूंछ लगा करके आपको दिखाते हैं। और ये पूंछ की भी मैंने कटिंग कर रखी है क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ का डर लग रहा था कि ये बंदर, डर लग रहा है बल्कि कहीं वो आज भी ना आ जाए तो हमारा काम जो है बंद कर देगा। 7 इंच बाई 7 इंच का ये पूंछ के लिए हमने काट लिया प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक है उस प्लास्टिक से हमने 7 इंच बाई 7 इंच का पूंछ काट लिया। इसमें भी देख सकते हैं आप काफ़ी सिलवट है। और इसको हम लोग इस पर लगाएंगे और लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसको भी इस तरह से टेप से ही लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटर निकालना ज़रूरी है। तो इस सेंटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है निकालना। अगर आप सेंटर नहीं निकालेंगे तो इस सेंटर को निकालने के लिए यहाँ पे जो है एक छोटा सा कट लगाना पड़ेगा। और ये कट हम लगा देंगे, ये देखिए अलग हो गया। तो यहाँ पे एक सुराख मिल जाता है, ये सुराख सेंटर का काम करता है। तो ये पतंग के पूंछ के लिए ये सेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये सेंटर का काम कर रहा है। और यहाँ से जो है इसको हम टेप लगा करके आपको चिपका करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग लगाने लग रहे हैं पूंछ को, और पूंछ को लगाने के लिए जो हम पतंग के ऊपर इसको पूंछ को रख देंगे और 2-3 छोटे छोटे से इस तरह के टुकड़े जो है निकाल लेंगे टेप के। और ये देखिए बिल्कुल इसका सेंटर रख करके इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और लगाने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर घुमा करके ले आएंगे और इसको जैसे पैजामा पहनाते हैं ना वैसे पैजामा सा पहना देंगे इसको। और ये देखिए ये इसका, हम लोग इसमें डिज़ाइनर पूंछ नहीं लगा रहे हैं और इसमें हम सिंपल पूंछ लगा रहे हैं। और अगर आप कभी बोलेंगे तो हम आपको डिज़ाइनर पूंछ भी लगा करके दिखाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स इतनी बड़ी बड़ी जो है इसी तिली को हम लोग तोड़ लेते हैं। तिली रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। तिली रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पूंछ को ये बिल्कुल बैलेंस में रखता है। और पूंछ को बैलेंस में रखने के लिए इस तरह से तिली को रखना ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है यहाँ पे एक टेप लगा देंगे, ये इस तरह से अपनी जगह रहेगा, ये हिलेगा नहीं। ठीक इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी यहाँ पे लगा देंगे। इसमें भी एक टेप लगा देता हूँ इसको भी, ताकि ये हिले नहीं, अपनी जगह रहे। फिर इसको हम लोग ऊपर से कवर करके इसको इस हिस्से को बंद कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने ये कर दिया यहाँ पे, और इसको इस तरह से हम लोग कवर कर देंगे। और ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक टेप लगा देंगे। ब्लैक टेप लगा करके बंद करके भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये सारा हमने यहाँ पे जो है बारीक टेप, ट्रांसपेरेंट टेप यहाँ पे लगा दिया, इधर भी लगा दिया, पूरा इसको बारीक जो है टेप लगा करके बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो इतना हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ये टेप लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, तिली निकली हुई है। तो इस तिली को हम लोग कवर कर देंगे, जो इसका सेंटर बनाया था ना, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तिली दिख रही है नीचे से खड्डे की। तो इसको हम लोगों ने कवर कर दिया और ये पतंग बिल्कुल बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब ये टेप थोड़ा सा बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टन टन आटन, ये देखिए फ्रेंड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो दो काले की कटिंग करी थी तो दूसरा कहाँ गया फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमने आपके सामने दो काला और एक वाइट कटिंग करी थी तो एक ये बच गया है। और इसको हम लोग किसी और दिन पतंग बनाएंगे इसलिए मैंने रख दिया, और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे और दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। और एक ये देखिए दो बना दिया फ्रेंड्स।
आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दोनों पतंग। इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बना दिया, इसकी आपको वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि दो एक जैसी वीडियो दोनों दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइनर जो है पूंछ लगा दिया है। और ये देखिए मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा है, ये देखिए एकदम ड्रेस के साथ पूरा मैच कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोग फटाफट कन्ना बांध देते हैं, और कन्ना बांधने के लिए क्या करेंगे, सुराख करना ज़रूरी होता है, बगैर सुराख के जो है कन्ना नहीं बच सकता है। तो अगरबत्ती जलाता हूँ क्योंकि हाँ जल गया अगरबत्ती। अब मैं ये बुझा करके जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक टेप और लगा देता हूँ, वाइट टेप लगा देता हूँ, मेरे पास ट्रांसपेरेंट टेप है, इस टेप को लगाता हूँ मैं। ये टेप देखिए यहाँ पे लगा करके, और अब इधर से मैं सुराख करूँगा इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगरबत्ती इधर से निकल गई और इधर से भी अगरबत्ती निकल गई, और नीचे का भी सुराख करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर का करने से नहीं चलेगा, दोनों जगह सुराख करना पड़ेगा। तो दूसरा सुराख जो है हम कर देते हैं कहीं, ये देखिए इसको लगाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ऐसे ऑलरेडी एक लगा हुआ है, इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मैं एक और सुराख कर देता हूँ। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, सुराख हो गया। अब इसको हम बुझा देते हैं क्योंकि आग को जलता हुआ छोड़ना ठीक नहीं होता है, और बच्चे प्लीज़ बच्चे इसको ना करें। और इसमें ऑलरेडी हमने सुराख पहले से ही कर दिया है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे सुराख है फ्रेंड्स। देखिए दोनों में ही कन्ना डाल दिया मैंने, और एक ऐसा बना है और एक ऐसा बना है। और अभी चलिए इन दोनों को हम लोग पता नहीं कैसा बना है, ये तो उड़ाने के बाद ही पता चलेगा। अगर हमने इसको पतंग को बनाया, इतना मेहनत किया, और अगर अच्छा नहीं उड़ाना तो फिर बहुत ही ऐसे ही हो जाएगा, ख़राब लगेगा मेरे को। तो चलिए ऊपर वाले छत पे जा करके पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि आज हवा का डायरेक्शन इधर है। अगर इधर हवा का डायरेक्शन होता तो मैं यहीं से इसको उड़ाता, लेकिन अब हवा का डायरेक्शन इधर है सेठ की पीछे की तरफ। तो हम लोग ऊपर वाले छत से जा करके इस पतंग को उड़ा करके देखते हैं उड़ने में कैसा है, और अपने साथ लेके चलते हैं इस वाले सद्दी की चरखी को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वाले सद्दी की चरखी को लेके चलेंगे ऊपर, और इसी से पतंग को उड़ाएंगे। ये भी होममेड है, इसको भी आप लोगों ने बनता हुआ देखा था और इसको भी बनता हुआ देख लिया। तो चलिए फटाफट हम लोग ऊपर चल के इसको उड़ाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऊपर वाले छत पे आ गए हैं, अब इसको हम लोग उड़ाने लग रहे हैं। और ये डिज़ाइनर पत्ते वाला जो है, इसका पत्ता डिज़ाइनर लगाया था हमने, ये डिज़ाइनर पत्ते वाला पतंग है। पहले इसको उड़ाते हैं, फिर इसके बाद दूसरे वाले को उड़ाएंगे। तो स्टैंड पे मैं चरखी फंसा देता हूँ, और हियर वी गो नाउ, श्याओ, या मस्त है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ कि अभी बिल्कुल नया ताज़ा है, तो थोड़ा सा अभी हल्का सा 10-15 दिन के लिए जो है ये सेट होने में टाइम लगाएगा, लेकिन है मस्त। एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं किसी को ना बताऊं कि ये प्लास्टिक बैग से, वेस्टेज बैग से पतंग बनी है, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स। और मैं इससे आपसे बिल्कुल एकदम बोल सकता हूं कि मैं 500 मीटर पे भी इससे पेच लड़ा सकता हूं, क्योंकि वाइट कलर है, वाइट कलर जो है 500 मीटर के बाद जा कर के दिखेगा नहीं, ब्लैक वाला सिर्फ दिखेगा, वाइट आसमान में छिप जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया उड़ रहा है फ्रेंड्स। आप जैसे मर्जी से पेच लड़ा सकते हैं, चाहे आप फंसा के लड़ाइए, चाहे खींच के लड़ाइए। ये देखिए लेफ्ट चक्कर, और ये देखिए राइट चक्कर, अगेन ये देखिए लेफ्ट चक्कर, अगेन ये देखिए राइट चक्कर, और ये देखिए पट, बिल्कुल सही है पतंग फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स। थोड़ा सा कन्ना सा जो है एक गीट अगर नीचे लगा देंगे हम पत्ते की तरफ, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा उड़ेगा। बहुत बढ़िया है, खींचने में हल्की सी जो है, हल्की सी बहुत मामूली स्लाइटली राइट साइड को जा रही है, उसका वजह है अभी ताज़ा बना है। और बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है। अब इसको उतार लेता हूँ, और इसको उतार करके फ्रेंड्स दूसरी वाले को उड़ाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग उतारने लगे हैं,
फ्रेंड्स इस वाले को हमने उतार लिया और अब दूसरे वाले को उड़ा करके दिखाता हूँ। और उसमें जो है यहाँ पे ब्लैक पत्ता लगा हुआ है, इस वाले में जो वाइट पत्ता लगा है उसमें ब्लैक पत्ता लगा है, तो इसको हम लोग रख देंगे और दूसरे वाले को उड़ाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए उसको हम लोगों ने रख दिया और अब इसको उड़ा रहे हैं। और इसमें जो पत्ता लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, और ये देखिए पत्ता ब्लैक कलर का लगा है। और इसको भी हम लोग जो है बूम रैंक की तरह फेंकेंगे, बूम रैंक की तरह फेंक करके इसको उड़ाएंगे। ज़्याओ, वाओ, ये भी अच्छा है दिखने में। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वो वाला थोड़ा सा जो है जानदार है और ये मीडियम है, ये भी उड़ने में बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स मैं अगर किसी को भी ना बताऊं ना ये प्लास्टिक की पतंग है तो कोई भी नहीं कह सकता, उसको लगेगा कि ये पतंग जो है कागज का ही है, पतंगी पेपर का बना हुआ है। तो आप लोग भी इसको बनाने की कोशिश करना फ्रेंड्स। चलती चली जा रही है, बहुत मस्त है, ये भी एक्यूरेट है बिल्कुल। अभी इससे मैं गद्दा उद्दा सब मार करके देखूंगा जैसे पिछले वाले से मारा था, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि मेन कैमरे से दिखाए। फ्रेंड्स ये कम से कम 200 मीटर्स तक जा चुका है, इसको मैं दूर ले जा रहा हूँ और देखता हूँ कितनी दूर तक दिखता है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाऊँगा, फिर मेरे को ही उतारना पड़ेगा। और अभी शाम हो गया है, बहुत सारी पतंग उड़नी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, तो ये सर्दी से है। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, और ये चील भी आ गए। ये चील बड़े शैतान हैं हमारे मोहल्ले के, जितने शैतान बंदर हैं उतने ही शैतान चील भी हैं, वो पतंग फाड़ देते हैं मेरी। ये भी हल्की सी जो है, हाँ हल्की सी है फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड को जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जैसे ही हफ्ता 10 दिन निकलेगा इसका कमान जो है वो अपनी जगह को पकड़ लेगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एकदम खड़ा आसमान में चढ़ गया पतंग ये मेरा। अब यहीं से एक जो है मैं गद्दा मारता हूँ, 1, 2 एंड 3। थोड़ी सी फ्रेंड्स बाहर की जा रही है तो इस करके जो है गद्दा एक्यूरेट नहीं लगेगा, बिल्कुल चक्कर ठीक है। और अभी हम इसमें ये लेफ्ट चक्कर ले रहे हैं और ये राइट चक्कर ले रहे हैं, दोनों ही चक्कर बिल्कुल ठीक है। अगेन ये लेफ्ट चक्कर ले रहे हैं, अगेन ये राइट चक्कर ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। बताएं पतंग उतार लेता हूँ, मिशन कामयाब हो गया। फ्रेंड्स आप लोग बना सकते हैं प्लास्टिक के थैले से, वेस्टेज थैले से बनाना, नए थैले वैले से मत बनाना, नहीं तो मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे आपके। ओ ये चील फिर आ गया है, बहुत बदमाश है, ये मौके के तलाश में रहता है, या तो मेरे टांट में मारेगा। और उसने कई अपने साथियों को बुला लिया, वो देखिए वो भी आ रहे हैं। जब भी मैं कुछ नया चीज़ रिसर्च करता हूँ ये चील तंग करने के लिए आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी उतार लिया हमने। फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरा वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोसी, ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोग सभी भाइयों का चैनल है ये, तो आप लोगों का लाइक करने का जो है बिल्कुल हक बनता है। अच्छा फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।